योगी सरकार ने 13 FIR दर्ज की थी कल 13 हाँ जी साजिश बारे सोच ले ठीक है। और उन्होंने कहा है कि जाति दंगे भड़काने वास्ते जी यूपी दी सरकार नूं बदनाम करने वास्ते एक कॉन्स्पिरेसी रची गई है जी। किन्ना ने रची है? एक तां जी कहिंदे जिहड़े नागरिकता कानून दे खिलाफ लड़न वाले बंदे सी जी ओह विरोधी धिरां जी कुछ पत्रकार जी इन्हां ने मिलके कॉन्स्पिरेसी रची है कि योगी सरकार नूं बदनाम कीता जावे जी। ठीक है, किस मुद्दे दे उत्ते? जिहड़ा हाथरस दे विच उस कुड़ी दे नाल ज्यादती हुई है, धक्का होया, रेप होया जी, उहदा कतल होया जी, बहुत बुरी तरह नूं टॉर्चर किया गया सी, बाद दे विच कुड़ी दी मौत हो गई सी जी। और उस मौत तो बाद योगी सरकार दी बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। ठीक है, कारण जी? कारण इह सी कि पहला तां उस लड़की दा रात दे हनेरे च संस्कार किया गया। हाँ जी, फिर गलती सुधारन की बजाय डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने कुड़ी दे परिवार नूं जाके धमकियां दित्तियां। हाँ जी, कि मीडिया वाले 2 दिन हो रह गए, ये चले जाएंगे, कुछ चले गए तो कुछ चले जाएंगे। ठीक है, बाद दे विच असीं तुहाडे नाल रहणा, तुसीं क्यों पंगे लैणे। ठीक है, इसे दौरान जिहड़ी हैगी है देश दे विच विदेश दे विच योगी सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी होने लगी। हाँ, थू थू होई। इत्थों तक कि भारतीय जनता पार्टी दे अंदरों भी विरोध उठना शुरू हो गया कि जो कुछ हो रहा बड़ा माड़ा हो रहा है। प्रधानमंत्री नूं भी मजबूर होना पिया कि वह योगी साहब नाल टेलीफोन से गल कर ले। सही है, उस तों बाद एक SIT बनाई जांदी है जी, और उस SIT ने जिहड़ी मुढ़ली पड़ताल की थी जी, उस पड़ताल का नतीजा की हुंदा कि उस जिहड़ी पुलिस का SP सी जी, पुलिस का अमला फैला सी जी, 5 जने इन्हां नूं सस्पेंड कर दिता। ठीक है, पुलिस दे SP नूं सस्पेंड करना छोटी मोटी गल नहीं हुंदी, उन्हां नूं 5 नूं सस्पेंड करता। नवी जिहड़ी हैगी टीम उन्हां दी साथी लाती जी, लेकिन फिर इस गल दे उत्ते सवाल खड़े होणे शुरू हो गए, किंतु परंतु कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नूं क्यों नहीं बदलिया गया जी। प्रियंका गांधी वाड्रा, हां जी, ओह इत्थों तक कहिंदी है वी शायद हां जी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दे कोले कुछ भेद होण, ओह कि जिहड़े हुक्म दित्ते है, किहने हुक्म दित्ते है कि इह जिहड़ा हैगा खुर्द-बुर्द करना केस जी, इह शायद योगी साहब ने दित्ता होवे। ठीक है, ये गल्लां भी आ रही हैं कि योगी साहब साल के 11 महीने जी अपने आप नू एक जिहड़े हैगे ठाकर आगू वजो पेश करते हैं जी, ते 1 महीना जिहड़ा हैगा वह अपने आप नू एक हिंदू लीडर के वजो पेश करते हैं। ठीक है, इस किस्म दी गल्लां बातां उत्थे चलदियां, ते बहुत ज्यादा जिहड़ी आपां कह सकदे हां नुक्ताचीनी होण लग गई सारे पासे जी 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 जी। आपां नू इस गल्ल दा भी पता है कि जदों राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी जांदे आ पहलां उन्हां नू रोकिया गया, रोकण तों बाद उन्हां नू जेरे हिरासत लिया गया, परचा भी दर्ज कीता गया जी, वापस भेज दिता जी, प्रेशर बिल्ड हुंदा अगले दिन उन्हां नू इजाजत भी दे दित्ती कि तुसीं जाओ जी, और इजाजत देण तों बाद जदों प्रियंका जा रही है जी, चलो धक्का मुक्की पहलां तां राहुल नाल होई सी, प्रियंका जा रही है, प्रियंका दे नाल भी बदतमीजी हुंदी है जी, उस बदतमीजी दे बदले बेशक यूपी दी पुलिस नू माफी भी मंगनी पैगी जी, लेकिन जिहड़ा नैशनल वूमेन कमिश्न है ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ, ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਭੀਮ ਆਰਮੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਮੇਤ 400 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਫ਼ਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀ 188 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਾ CRPC ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੀ, ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਕੜਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਤੋਏ ਤੋਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗਲੋਂ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਸਾਜਿਸ਼ ਹੈ ਇਹ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟੀ ਗਈ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬਲਰਾਮਪੁਰ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਮਾ ਨੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਚੀਆਂ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫੇਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਬਰੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਸੂਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬੁਖਲਾਹਟ ਹੈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਬੁਖਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੜਾਤੜ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ।